अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीन नायलाज कुकिंग टोटके पर। यहाँ पर आज की जो मेन्यू डिश है, यानी कि आज जो हम बनाएंगे वो है केचप। केचप बनाने का टोटका सीखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम केचप बनाएंगे घर, और वो बिल्कुल अच्छा तरीका है घर बनाने का। आप आराम से केचप बना सकते हैं, अपने घर वालों को खिला सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी सेहत का कोई मसला नहीं होगा। आपको बिल्कुल प्योर है, हेल्दी है, और आप इस सीखी से बनाने के लिए अपने बच्चों को खिलाएंगे। केचप बनाने के लिए हम एक देगचा लेंगे, जिसमें 3 किलो टमाटर, 3 प्याज लेकर उनको काट कर 4 कप पानी में डाल देंगे। फिर एक पोटली जिसमें 20 काली मिर्चें, 9 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी लेकर बांध दें, और फिर उसको देगचे में डाल दें और उसको कवर कर दें। तब तक कवर रहने दें जब तक वो गल नहीं जाते। अब ये टमाटर गल चुके हैं, इनको मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ग्राइंडर में से ग्राइंड करने के बाद इसको मैं स्टेनर में स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद दोबारा चूल्हे पर रख दें और अच्छी तरह पकाएं। इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच नमक हसबे जायका और 1.5 कप चीनी डालकर अच्छी तरह से पकाएं। कुछ देर बाद 1 कप सिरका डालें और जितना गाढ़ा करना हो कर लें। देखिए कितनी अच्छी केचप बन चुकी है। इसको फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा ये टोटका पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। पीस। अल्लाह हाफिज़। बी इमान।